गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संधि के दो भेदों को हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। आज हम विसर्ग, तीसरा भेद विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा अनुकूल, मनो अनुकूल। बच्चों, अब हम विसर्ग संधि के नियम के विषय में पढ़ेंगे। पहला नियम है, विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे, प्रत्येक वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः जमा अनुकूल, मनो अनुकूल। यहाँ पर देखिए तो मनः अ आ रहा है, उसके तुरंत दूसरा शब्द है अनुकूल, उसका भी अ आ रहा है, तो विसर्ग का यहाँ पर ओ हो गया है, इसलिए जो नया शब्द बना है मनो अनुकूल। दूसरा उदाहरण है अधः जमा गति, अधो गति। यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में बदल गया है, तो यहाँ पर अधोगति हो गया है। यहाँ तीसरा उदाहरण है मनः जमा बल, मनोबल। यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी मनोबल हो गया है। विसर्ग संधि का दूसरा नियम है, विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो वर्ग के प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है, और आगे जो उसमें स्वर होता है उसमें र जा करके मिल जाता है, चाहे वह अ हो, आ हो, ई हो, उ हो, कोई भी स्वर हो उसमें जा करके र मिल जाता है। जैसे निह जमा आहार, निराहार। यहाँ पर देखिए निह के बाद आहार आया है, यहाँ आ की मात्रा है, तो यहाँ पर र में आ की मात्रा जुड़ जाएगा तो हो जाएगा निराहार। दूसरा उदाहरण है निह जमा आशा, निराशा। यहाँ पर भी आशा में आ की मात्रा दिया है तो र के साथ आ की मात्रा जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा निराशा। तीसरा उदाहरण है निह जमा धन, निर्धन। यहाँ पर भी देखिए ध है, अ की मात्रा है तो र जुड़ जाएगा तो हो जाएगा निर्धन। तीसरा नियम है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, आधा श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा चल, निश्चल। यहाँ पर देखिए विसर्ग के बाद च आया है, तो च के पहले विसर्ग जो है आधा श में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चल। दूसरा उदाहरण है निह जमा छल, छ के पहले विसर्ग है तो उसका भी आधा श में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चल। फिर उसी तरह से तीसरा उदाहरण है दुह जमा शासन, दुशासन। यहाँ पर भी देखिए श है, जैसा कि नियम में दिया है कि च, छ या श हो तो आधा श हो जाता है, यहाँ पर भी दुह जमा शासन तो श के पहले एक आधा स जुड़ जाएगा तो हो जाएगा दुशासन। विसर्ग संधि का चौथा नियम है, विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग आधा स में बदल जाता है। जैसे नमः जमा ते, नमस्ते। यहाँ विसर्ग जो है, नमः के बाद जो विसर्ग लगा है वहाँ पर आधा स में बदल जाएगा, क्योंकि नियम में त या स उसके बाद आता है तो आधा स में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण है निह जमा संतान, निसंतान। तो यहाँ पर भी विसर्ग का आधा स में परिवर्तित हो गया है और उसका दूसरा नया रूप हो गया है निसंतान। तीसरा है
दुह जमा साहस दुस्साहस। यहाँ भी विसर्ग जो है आधा स में परिवर्तित होकर स के बगल में लग गया है और नया शब्द बन गया है दुस्साहस। विसर्ग संधि का पांचवा नियम है, विसर्ग से पहले इ उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का स यानी खटकोण स का आधा स हो जाता है। जैसे नि जमा कलंक, यहाँ देखिए नी ई न में ई लगा है उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क दिया है तो विसर्ग जो है आधा स यानी कि खटकोर स का आधा स में परिवर्तित हो गया है तो वो हो गया है निष्कलंक। इसी तरह से चतु जमा पाद चतुष्पाद, यहाँ पर भी देखिए विसर्ग का आधा स यानी कि मूर्धन्य स का आधा स में परिवर्तित हो गया है तो चतुष्पाद हो गया है। तीसरा उदाहरण है निह जमा फल निष्फल, यहाँ भी देखिए विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो गया है मूर्धन्य स का तो एक नया शब्द बन गया है निष्फल। विसर्ग संधि का छठवां नियम है, विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निह जमा रोग निरोग, यहाँ पर विसर्ग हट जाएगा और वहाँ निरोग शब्द हो जाएगा। दूसरा है निह जमा रस नीरस, इसमें एक और नियम है कि जो न पर छोटी ई की मात्रा लगी है वो हर्ष स्वर है। अब जब विसर्ग हटेगा विसर्ग का लोप होता है तो वह दीर्घ स्वर में बदल जाता है यानी कि जब छोटी ई का बड़ी ई में परिवर्तन हो जाएगा तो वह नीरस हो जाता है। विसर्ग संधि का सातवां नियम है कि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतः जमा करण अंतःकरण, यहाँ पर देखिए विसर्ग जैसे है अतः के बाद जो विसर्ग लगा है वैसे ही अंतःकरण में भी विसर्ग लगा हुआ है। बच्चों आज हमारा पाठ 3 संधि पाठ समाप्त हुआ, अब अगली वीडियो में मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।